दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह तीन चीजें कभी मत चढ़ाना, भूलकर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनमोल जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाय खाय की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्धन देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वही पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं ने छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सात फेरे नहीं लिए हैं, और वही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं, तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी ही सफल बा शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है, तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है, तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते, छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों योगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है, छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। दोस्तों, वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है, इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो नहीं चढ़ा चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर एक, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर दो, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दे। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धर्मपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर तीन, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लीपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो ले। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाए, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाए। दोस्तों, नंबर चार, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करे, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर पाँच, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए, तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर छह, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन चार दिनों तक भूल कर भी ना करें, इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता
इस समय लहसुन प्याज वगैरह से दूरी बना ले दोस्तों। नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन गाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है दोस्तों। नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए दोस्तों। नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए दोस्तों। नंबर 11, घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है, व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर ले, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आप में से कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हो छठी मैया की। छठ मैया के लिए एक लाइक तो बनता है।